एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 2.8, वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी अब सिंगल चार्ज पढ़ा रहा है और बस, वो तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली को फिर से आप लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए, हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। किसी दूसरी फील्ड में ला रहे हैं ये लोग, बस वही बेसिकली बात यही है कि लिख दीजिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज स्लोली स्लोली फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड। अगर स्लोली है तो डेल्टा के ही जीरो है, वैसे वर्डर का फॉर्मूला डेल्टा के ही होता है। वर्डर का एक्सटर्नल ग्रेडिएंट का फॉर्मूला डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ही होता है। अगर स्लोली ला रहे हैं तो डेल्टा के ही जीरो है, जो वर्डर का एक्सटर्नल ग्रेडिएंट है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, और यू इनिशियल को हम लोग इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी जीरो माप रहे हैं, क्योंकि शुरू में पार्टिकल इन्फिनिटी का था। तो जो एक्सटर्नल ग्रेडिएंट ने वर्क किया है बस वही सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन होता है वो डेल्टा भी होता है, डेल्टा वी में भी हम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखेंगे, और वी इनिशियल इन इन्फिनिटी पर उसको जीरो बोल देंगे। तो इसने एनसीईआरटी ने तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू भी दिया है, हालांकि मैं उसे क्यू डेल्टा वी ही बोलता रहूंगा। आप डेल्टा वी को वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख लेना, वी इनिशियल को आप जीरो बोल देना, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हैं। बस इतना ही है, ये तो कुछ भी नया पॉइंट है नहीं। हाँ, यहाँ हम डेफिनेशन देंगे, हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बस लिख दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, एंड द एनर्जी अक्वायर्ड बाय इट इज, एनर्जी का फॉर्मूला क्यू भी होता है। उस समय आप चार्ज को ई कह रहे हैं, इस समय इसमें जो एनर्जी आती है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी एक्सेलरेटेड वाली बात समझने लायक है, एक्सेलरेशन तब होगा जब आप इसे छोड़ दोगे और फील्ड के फोर्स में चलने दोगे, तब आप इस पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे हो। हम इसको जरूर एक बार फिर से लिख लेते हैं, हालांकि कोई खास सिग्निफिकेंस के नहीं है, ये चीजें हैं तो बड़ी बारीक और बड़ी इंटरेस्टिंग, पर डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। खैर, आप लिख दीजिए कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ फील्ड, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ फील्ड, ब्रैकेट में नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, रिलीज कर दिया ना, छोड़ दिया हमने, no external force is applied on it, then its total mechanical energy is conserved, total mechanical energy is conserved, delta p plus delta k is equal to zero, iska delta p plus delta k is zero rehta hai, as the particle moves in the direction of force of field, as the particle moves in the direction of force of field, it loses potential energy and gains kinetic energy, and gains an equal amount of kinetic energy. It loses potential energy and gains an equal amount of kinetic energy. From the field,
जो KE gained है मैग्नीट्यूड में लिख दीजिए, KE gained is equal to the magnitude of PE lost. KE gained is equal in magnitude to the PE lost. KE को तो खैर हम वैसे भी पॉजिटिव ही लेते हैं. KE gained is equal in magnitude to the PE lost. फिर क्या है, और लिख दीजिए फॉर्मूला ऑफ पीई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू वी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू डेल्टा वी. सो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी यूज्ड एज क्यू डेल्टा वी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्यू डेल्टा वी, तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी लिया तो जा ही सकता है. हम तो केवल यही जानते रहे तो अच्छा है कि चार्ज क्यू को वोल्टेज वी के बीच में चलाएंगे तो एनर्जी या तो उसे क्यू वी मिल जाएगी या उसको हमको इतना बाहर से वर्क करना पड़ेगा. एनर्जी का फॉर्मूला क्यू वी होता है. अगर उन्होंने के ही मांगी है तो शायद ये के ही का ही फॉर्मूला है, और अगर उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी मांगी है या गवर्धन मांगा है तो फिर ये उसी का ही फॉर्मूला है. शायद आपको सारे जवाब ना मिले कि ऐसा क्यों, पर अगर क्यू दिया है और वी मांगा है और कुछ दिया नहीं है, क्यू दिया है और वी दिया है और कुछ और दिया नहीं है और कोई सी भी एनर्जी मांगी है या कोई सा भी वर्कडन मांगा है, तो हम फिर क्यू वी ही करेंगे और क्या करेंगे. हमें सवालों में ज्यादातर ये बॉदर नहीं करना पड़ता कि ये पी है कि के ही है. अगर क्यू दिया और वी दिया है और एनर्जी मांगी है तो फिर आप क्यू वी के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते. सही है दीजिए, इन न्यूमेरिकल्स इफ क्यू इज गिवन एंड वी इज गिवन देन पी और के और वर्क डन ऑल हैव द मैग्नीट्यूड क्यू वी. हम तो सिर्फ मैथमेटिकली बात करेंगे, हो सकता है थियोरी से हमको थोड़ी इनकंसिस्टेंसी मिल रही हो, हम समझा ना पा रहे हो कि ये पी है कि के ई है कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है. हो सकता है हमारे पास इनके जवाब ना हो, पर अगर क्यू दिया है और वी दिया है तो हम सिवाय क्यू वी के कुछ कर भी नहीं सकते. हाँ, अगर वो कहता कि स्लोली चलाया और शायद फील्ड के फोर्स के अगेंस्ट, तो फिर तुम जो वर्क करते हो वो पी में स्टोर हो जाता है. तो वर्क डन का फॉर्मूला तब भी क्यू डेल्टा वी होता, पी में गेन का फॉर्मूला भी क्यू डेल्टा वी होता, स्लोली चला रहे हो तो के ई गेन जीरो होता. एनीवे बात यही है कि एक्सेलरेट अगर हो रहा है तो इसकी जरूर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में फिलहाल इसमें है जो उसने फील्ड से ऑब्टेन की है. तो वर्ड एक्सेलरेटेड वगैरह के बड़े डीप मीनिंग तो हैं और इन पर डिस्कशन भी किए जा सकते हैं, पर हमें सब कुछ न्यूमेरिकल्स के दायरे में रहकर ही सोचना. हमें ज़्यादा थ्योरी को बढ़ावा देना नहीं. लर्निंग स्टेज में तो आप कर सकते हैं जो चाहे लर्निंग स्टेज में कभी, पर जब पेपर अटेम्प्ट करें तो बस ज़्यादा थाट प्रोसेस को थियोरी के डीप में ना जाए. क्यू और वी से मैथमेटिकली जो निकल सकता है वो क्यू वी है, नाम आपको उसका जो देना है दे दीजिए. एक इलेक्ट्रॉन को बस आप लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इज मोर कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम वर्क फंक्शन वगैरह की बात करते हैं या एनर्जी गैप की बात करते हैं, वो सब तो ईवी में ही चलता है ना. 13.6 ईवी, सेकंड और फर्स्ट का गैप 10.2 ईवी, ये है. तो 1 ईवी तो वैसे 1.6
ये सारी बातें ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है, यूज तो ज्यादा ये होती है, यूज ये होती है, ये होती है, बस यही होती है। मिली ईवी, गीगा ईवी, टेरा ईवी, ये सब होती तो नहीं है, पर हाँ छुड़वाइए क्वेश्चन पूछने हो तो डेफिनेटली पूछ ही सकते हैं। ये गीगा, गीगा में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, टेरा भी याद रहता है, गीगा में कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है, गीगा पे जरा ज्यादा ध्यान दे लीजिए। गीगा पे 2020 में क्वेश्चन आया भी था, क्योंकि गीगा ही लोगों का सबसे वीक होता है। चार्ज क्यू को वोल्टेज वी से एक्सेलरेट करेंगे, उसमें एनर्जी क्यू भी होगी। एक इलेक्ट्रॉन को अगर वोल्टेज वी से एक्सेलरेट करेंगे तो उसमें एनर्जी ई वी होगी, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। एक काम करते हैं, ये भी लिख लेते हैं, फिर लिख दीजिए वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल, हेडिंग दे दीजिए वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन रिलीज्ड इन अ फील्ड। रिलीज, रिलीज का मतलब है कि आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, इस पर फोर्स है, उस पर एक्सेलरेशन है। देखो इससे फोर्स है क्यू ई, इसका एक्सेलरेशन है क्यू ई पर है, और दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वी इक्वल टू प्लस ए टी इज वैलिड। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं सारी की सारी इक्वेशंस वैलिड। इनिशियल वेलोसिटी पर जीरो है तो वी इज इक्वल टू क्यू ई बाय एन इनटू टी। टाइम टी के बाद एक पार्टिकल को अगर आप छोड़ देंगे तो टाइम टी के बाद उसमें जो वेलोसिटी आ जाएगी वो ये है। इस वी को मुझे स्मॉल वी से लिखना ही चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि हाफ एनर्जी स्क्वायर है टू इनटू कैपिटल वी। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो पी लॉस्ट के बराबर भी आई है। ये तो ज्यादा यूजफुल नहीं है, पता तो होना चाहिए क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, पर अगर हम आसान लेवल के पेपर की बात करें तो ये फिर इम्पोर्टेंट नहीं रह गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। हाँ ये जरूर है कि जो P लॉस्ट है वही K गेंड है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाफ एनर्जी स्क्वायर जरूरी क्योंकि तो जरूर आप चार साथ है, पांच साथ है, डिपेंड करता है कि वो क्या दिया। अगर उसने कहा कि टाइम टी के बाद वेलोसिटी बताइए तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल लेंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन से पहचानी है। और अगर वोल्टेज दिया है तो हाफ एम वी स्क्वायर को क्यू वी से इक्वेट करिए। जब आप हाफ एम वी स्क्वायर को क्यू वी से इक्वेट करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट टू क्यू वी बाय, और अगर इलेक्ट्रॉन है अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट टू ई वी बाय, और इलेक्ट्रॉन का ई बाय एन तो हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का E by M तो हम जानते हैं 1.76 into 10 का प्लस 11, बहुत कम चीजें हैं फिजिक्स में जिनका पावर पॉजिटिव होता है। स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव पावर के साथ आता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। अब ये 3.4 टाइप हो जाएगा, मैं इसे 3.6 मान देता हूँ, मैं इसे 36 into 10 से पावर 10 3 मान सकता हूँ,
तो मैं जब 6 इनटू टेस्ट ऑफ 5 अंडर रूट भी मान सकता हूं मीटर पर सेकंड। जरूरी तो नहीं है कि आप इसे याद करें, पर अगर करेंगे शायद तो फायदा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम वी वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी आ जाएगी वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी जरूर आए। वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2 क्यू वी बाय एम। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज क्यू को ई लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन का ई बाय एम 1.76 इंटू 10 पावर 11 होता है, और फिर सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली ये इतना आता है 6 इंटू 10 पावर 5 अंडर रूट ऑफ वी मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया है तो उसमें जो वेलोसिटी आएगी वो 6 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन लिख दीजिए। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सेलरेट करेंगे तो ये पी लूज करेगा और के गेन करेगा, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सो 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 17। हाँ, बस इम्पोर्टेंट केवल ये बात है कि आप अननोन को सही पहचाने, कहीं आप वेलोसिटी ना निकाल दें। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसके बारे में लिख दीजिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन ईवी। एक इलेक्ट्रॉन को ये जितना वोल्टेज वोल्ट्स में है उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी ईवी में है, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ईवी में। अगर आपने अपना आंसर में सुनना चाह रहा था पहले तो 100 ईवी, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से खींचा तो उसकी एनर्जी है 100 ईवी, और अब पार्ट भी है कि उसकी वेलोसिटी निकालो। तो वेलोसिटी को मैं बोलना चाहता हूं कि 6 इनटू 10 पावर 5 इनटू अंडर रूट ऑफ केवी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 6 इनटू 10 पावर 5 इनटू अंडर रूट ऑफ वोल्ट्स ये, और इससे आंसर आपका मीटर पर सेकंड क्या रहेगा 6 इनटू 10 पावर 5 वोल्ट्स 100 याद रहेगा 6 इनटू 10 पावर 6 अगर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको डायरेक्टली दे दी ईवी में तो बस वही उसका वोल्ट्स है। वो लाइन अच्छी थी, 5 स्टार देने लायक लाइन थी कि एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट्स में जो वोल्टेज है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी ईवी में होती है मैग्नीट्यूड वाइज। वो लाइन जरा यूजफुल, एक इलेक्ट्रॉन का जो वोल्ट में वोल्टेज है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी ईवी में होती है। सो वेलोसिटी के लिए भी अगर आप ऐसा डायरेक्ट चाहें तो कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी की कभी आवश्यकता पड़ती हो। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के न्यूमेरिकल्स में जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो कभी कभी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं और कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछते हैं। वेलोसिटी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर को क्यू वी से इक्वेट कर दीजिए तो बेसिक से सवाल हो जाएगा, और अगर चाहते हैं शॉर्टकट तो इससे कर लीजिए।
ज्यादातर को जो बेसिक मेथड होते हैं वही बेस्ट होते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं समय बच पा रहा है इससे तो ये कर लीजिए। बस आप हेडिंग दे दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। और इन माय ओपिनियन ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, आप साफ साफ लिख सकते हैं। ये चार्ज Q1 है और ये Q2 है और ये एक्सटर्नल फील्ड में सिचुएटेड है, फील्ड B में सिचुएटेड है। अब इसमें Q1 की पोटेंशियल एनर्जी एक तो इसलिए होगी क्योंकि वो फील्ड में, Q2 नहीं भी होता तो भी Q1 में एक फील्ड होती और Q1 नहीं भी होता तो Q2 में एक फील्ड होती, एनर्जी होती, और फिर आपस की भी तो एनर्जी है। मान लीजिए इस जगह वोल्टेज V1 है, इस जगह वोल्टेज V2 है फील्ड के कारण, इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वह है Q1 V1 प्लस Q2 V2 और फिर आपस की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज क्यू अगर फील्ड में ऐसी जगह सिचुएटेड होता है जहां उसके वोल्टेज भी है तो उसमें एनर्जी क्यू भी होती है, तो इसकी फील्ड के कारण एनर्जी क्यू भी है, इसकी फील्ड के कारण एनर्जी क्यू भी है और फिर आपस की जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी तो होगी। In my opinion, ये important नहीं है, मैंने इसे कभी even JEE के पेपर में भी नहीं देखा है, NCERT में दिया है इसलिए कुछ कह नहीं सकते, तीन स्टार तो आप दे ही सकते हैं। वैसे तो ये डेफिनेटली बहुत कम चांसेस है कि इसको क्वेश्चन आएगा, पर एक बार समझना हमारा जरूरी है। Q1 अगर फील्ड में होता और फील्ड के कारण उस पॉइंट का पोटेंशियल V1 होता तो Q1 की एनर्जी Q1 V1 होती, इसी तरह Q2 की एनर्जी Q2 V2 होती और फिर आपस में भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 by R वो तो होगी होगी, तो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी जब ये सिस्टम एक्सटर्नल फील्ड में। अगर E के बारे में कोई बात नहीं किया गया है तो ज्यादा फॉर्मूला आपके काम आएगा ना तो ये आपको सवाल में यही चेक करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल फील्ड दी भी है कि नहीं दी, और ज्यादातर वो नहीं देंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल 2.5 देखते हैं, कहता है डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अननोन क्या है उस पर जरा हम ध्यान दे रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मांगा है, पोटेंशियल नहीं मांगा है, ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। अच्छा एक्सटर्नल फील्ड भी दे दी इन्होंने, तो मैं नहीं करना चाहूंगा। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस तक तो ठीक था, 9 × 10⁻¹¹ अभी चार्जेस कहाँ कहाँ रखे हैं वो भी उन्होंने दे दिया है, तो अकॉर्डिंगली आपको उनके पोटेंशियल्स भी निकालने पड़ेंगे, तो मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पार्ट बी कहता है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब ये इन्फिनिटी पे हो जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अगर आप इन्फिनिटी पे ले गए हो तो यू फाइनल आप इसकी बार जीरो ले लें, ऐसे ही क्वेश्चन कर लीजिए। एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख दीजिए Q1 एंड Q2 आर एट अ डिस्टेंस R, आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस R, चार्जेस Q1 है और चार्जेस Q2 है, चलिए Q1 और माइनस Q2 कर लेता हूँ, आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस R, कैलकुलेट द वर्क डन टू सेपरेट देम टू इन्फिनिटी। वर्क डन का फॉर्मूला
ऐसा कुछ सवाल हम इसके लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आप इंफिनिटी पे इसको ले गए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस तरह की कोई कैलकुलेशन का सवाल कोई मिल सकता है। अब इसके बाद हम ज्यादा काम की बात कर रहे हैं और हेडिंग दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन 12 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज तो खैर बिल्कुल 5 स्टार वाला फॉर्मूला है इसका। पोटेंशियल एनर्जी निकालना ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड P है, ये नेगेटिव चार्ज है डाइपोल पे, ये पॉजिटिव चार्ज है और वेक्टर P की डायरेक्शन, वेक्टर P इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये एंगल थीटा है और फील्ड यहाँ भी है। फील्ड में हमने डाइपोल रखा है, फील्ड में हमने डाइपोल रखा है ये, और फिलहाल डाइपोल से फील्ड से डाइपोल एंगल थीटा बना रहा है। तो वर्क डन का बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको वर्क डन तो निकालना पड़ेगा। आपको इसमें पहले ये लिख दीजिए, शायद हेडिंग ये दे दीजिए इस समय कि वर्क डन, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम इस समय हेडिंग, वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल, वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू in an external field, work done in turning a dipole from theta 1 to theta 2 in an external field. अच्छा, work done का हमेशा मतलब होता है by the agent D, लिख दीजिए अलग से ब्रैकेट में, वर्क डन ऑलवेज मींस बाय द एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, नॉट बाय द फील्ड। अगर फील्ड का वर्क चाहिए तो उसको क्लियर बताना पड़ेगा कि फील्ड का वर्क चाहिए, खाली वर्क बोला है तो उसका मतलब बाय द एजेंट। और ऑफ कोर्स उसमें ये भी मतलब होता है कि लिख दीजिए कि वर्क डन ऑल्सो ऑलवेज मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन दीज कॉन्टेक्स्ट, वर्क डन ऑल्सो ऑलवेज मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी because no information of change in kinetic energy has been given. Work done वैसे तो डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ही होता है, पर आपने कोई जानकारी के ई की तो दी नहीं है, तो आपने उसे स्लोली स्लोली मूव किया होगा। आप अपनी हेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, वर्क डन इन चेंजिंग द एंगल फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू स्लोली कर दीजिए। ये नहीं भी बोलेगा तो आपको दोनों चीजें माननी पड़ेंगी, एक तो ये माननी पड़ेगी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है और दूसरी चीज ये माननी पड़ेगी कि वर्क डन स्लोली मूवमेंट में, स्लो मूवमेंट में किया गया है। ये सारी बात, दोनों बातें इंप्लाइड है। अब खैर एनीवे, वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैकेनिक्स में जाएं, वर्क डन निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और यहां तो आप रोटेशनल मोशन कर रहे हैं तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइप कुछ करना चाहिए। लिख दीजिए मोशन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू इज रोटेशनल मोशन, जब आप एंगल थीटा वन से थीटा टू चेंज कर रहे हैं तो ये रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन। सो यू विल हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल टॉर्क, विल हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द डायपोल। हमें टॉर्क लगानी पड़ेगी,
टॉर्क का फॉर्मूला याद दिला दीजिए, यहाँ पर आप टॉर्क को लिख दीजिए पी क्रॉस सी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस सी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस सी, PE sin theta, the torque, it is a case of variable torque. So theta vary करेगा तो torque vary करेगी, theta vary करेगा तो torque vary करेगी. और फिर जो dW है, formula का tau है. अगर constant force होता है तो work done होता है force into displacement. अगर कांस्टेंट टॉर्क होती है तो वर्क डन होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ वेरिएबल टॉर्क है, वेरिएबल टॉर्क है तो टाउ डी डी थीटा और डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा, ये तो थीटा वन टू थीटा टू पीई हम कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा ये वर्क डन का फॉर्मूला जो फाइनल आया है ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमें तो पहले अपनी हेडिंग यही दे देनी चाहिए वर्क डन वाले. इन्होंने जो हेडिंग दी है एनसीईआरटी ने, पता नहीं रहने देते हैं क्योंकि बोर्ड में तो काम आएगी सारी बातें. हम एक्चुअली तो निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर डायपोल एक्सटर्नल फील्ड, पर पहले हमने निकाला कि एंगल थीटा आई से बढ़ा के थीटा एफ करने में कितना वर्क करना पड़ेगा. तो अगर आप बोर्ड्स में इंटरेस्टेड है तो आप ये देखना, नीट में तो 22 में भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सवाल नहीं आएगा, पर हाँ बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड में आते हैं ये डेरिवेशन, बोर्ड में फिर भी आ सकता है, बोर्ड के हिसाब से देखना तो देख लीजिए. पूरा कॉस अंदर आएगा, वर्डन का फॉर्मूला है पी ई फिर कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एस. इसमें पूरे रिस्क है, इसमें ज्यादा रिस्क है. आपका ध्यान थीटा आई और थीटा एफ पे तो है प्रॉपर, थीटा आई और थीटा एफ पे तो आपका ध्यान प्रॉपर है, पर कॉस बाहर ब्रैकेट में नहीं है, ये ध्यान दीजिए. इसी के लिए थोड़ा बहुत डेरिवेशन की आवश्यकता होती है, कि डेरिवेशन का एक आध स्टेप अगर आपको ध्यान आ जाता है तो आप सिली मिस्टेक से बच जाते हैं. ये बड़ा रिस्की है, ये कभी कभी आप अगर प्रैक्टिस कम है, फिलहाल 21 और 22 में क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज्यादा आवश्यकता है ही नहीं, फॉर्मूले बहुत सॉलिड आपको याद हो. प्रैक्टिस का एक ही फायदा होता है कि कभी कभी आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं अचानक से, अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और कोई बहुत छोटे न्यूमेरिकल भी बिल्कुल बेसिक वाले आपसे बन जाते हैं तो कोई भी चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे सारे फाइनल नीट में बन जाएंगे. न्यूमेरिकल्स नाउ नो मोर एन इश्यू, न्यूमेरिकल इश्यू है ही नहीं. अगर ऑर्डिनरी एलजेब्रा आपने की हुई है 6th, 7th, 8th क्लास की, तो न्यूमेरिकल्स में और कुछ नया तो करना ही नहीं है. फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन बात खत्म, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिजिक्स में अब जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो आपसे बनेंगे, सारे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहे हैं. बस ये
बस केवल रिस्क इस बात की है कि आप फॉर्मूला गलत ना लिखते हैं। कुछ कुछ सवाल आप करते हैं तो फॉर्मूले आपके फिर दिमाग में सेटल होता है कि एक्चुअली फॉर्मूला क्या है। तो वर्क डन में ये जो फॉर्मूला है ये पांच का आप एंगल को थीटा आई से बढ़ा के थीटा एफ कर रहे हैं। डेरिवेशन हमें कोई मतलब नहीं, डाइपोल के चैप्टर फॉर्मूले में पी और ई तो हमेशा आएगा ही आएगा। टॉर्क थी पी ई साइन थीटा, टॉर्क स्केलर क्वांटिटी थी उसमें, सॉरी टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी थी उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता था तो साइन आता था। लिख दीजिए टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इन्वॉल्व्स क्रॉस प्रोडक्ट, इट इन्वॉल्व्स क्रॉस प्रोडक्ट एंड सो द फॉर्मूला हैज अ साइन टर्म। बड़ी अच्छी बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें साइन का टर्म आएगा। और वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल इन्वॉल्व अ कॉस्ट टर्म। तो साइन है कि कॉस है, प्रॉब्लम उसके बाद ये रहती है, साइन है कि कॉस है, ये तो शायद दिक्कत आ ही नहीं सकती। आपको बस इतना एक बार ध्यान से बोलना है कि वर्क स्केलर है और ये डॉट प्रोडक्ट वाली बात कहीं शायद है इसमें, और वर्क के बेसिक फॉर्मूले में भी एफएक्स कॉस थीटा था। वर्क के फॉर्मूले में पूरी फिजिक्स में चैप्टर कोई भी हो, वर्क के फॉर्मूले में कॉस थीटा आया करेगा और जितने भी वेक्टर्स हैं सबके फॉर्मूले में साइन थीटा आया करेगा। ये बिल्कुल पांच स्टार वाली लाइन, बहुत जल्दी आपको बचा ले। अच्छा अब हेडिंग दे दीजिए, रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। फॉर अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये मैं और बेटर भी समझा दूंगा अभी आपको, पर हम पॉइंट चार्ज के लिए तो ये मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो है। अब ऐसा नहीं करेंगे, लिख दीजिए आप कि चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डन आर्बिट्रेरिली, अपनी मर्जी से आप किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कह सकते हैं। Can be done arbitrarily. For a point charge, it is convenient. For a point charge, it is convenient to choose zero potential energy at infinity. For a point charge, it is convenient to choose zero potential energy at infinity. But for a dipole in an external field, dipole in an external field. Theta is equal to 90 degree. Theta is equal to 90 degree is taken as, theta is equal to 90 degree is taken as the reference of zero potential energy. Theta is equal to 90 degree is taken as the reference of zero potential. ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको और बेटर समझा दूंगा, फिलहाल तो आप इसे चॉइस मान सकते हैं। अगर आपको बोर्ड में लिखना है तो आप इसे खाली चॉइस में लिख सकते हैं। मन में आपके पूरा भरोसा है या नहीं, या थोड़ा सा इरिटेशन है कि ऐसा कैसा कुछ भी कर लिया, इसका प्रॉपर आपको जवाब मिल जाएगा। अब हम उस डेरिवेशन को जारी रख रहे हैं। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा टू 90 डिग्री का फॉर्मूला लिखते हैं। लिख दीजिए, वर्क डन हेडिंग सॉर्ट ऑफ अ सब हेडिंग हो गई है, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ डाइपोल फ्रॉम थीटा डिग्री टू 90 डिग्री इन एन एक्सटर्नल ई। डाइपोल को थीटा डिग्री से 90 डिग्री तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन है वह
छोटा वाला देखेंगे कि फॉर्मूला पूरा पूरा जितनी बार लिखते हैं उतना अच्छा है, पूरा फॉर्मूला जितनी बार लिखे उतना अच्छा है। एक तो कॉज आ रहे हैं, साइन नहीं आ रहे, पहले थीटा आई आ रहा है बाद में थीटा एफ आ रहा है, और कॉज बाहर नहीं है, दो दो कॉज के टर्म्स हैं। ये तमाम बातें आप अगर एक बार चेक करेंगे तो ही सिली मिस्टेक नहीं होगी। फिलहाल की जो नीड्स हैं, फिलहाल की जो चाहिए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बची है। बस फॉर्मूला अगर आप एक बार सही लिख दें और उसको एक दो बार जरा चेक भी कर लें, उसके बाद तो अब इनमें वैल्यूज पुट करने में कौन सी प्रॉब्लम, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइडियली इन माय ओपिनियन सिर्फ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, जितने पीवाईक्यू कर सके वेरियस एग्जाम्स के, नीट, एम्स, जिपमर एंड देन इवन मे बी जेई में, बस और कोई क्वेश्चन आपको करना ही नहीं है। और इनके भी सिंगल लाइनर्स, जिनके क्वेश्चन भी छोटे हों और जिनकी सॉल्यूशन भी छोटी हों, एक भी बड़ा है उस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो वर्कडन है वो है पी ई, इनिशियल एंगल है थीटा और फाइनल एंगल है 90 और कॉस 90 होता है 0। तो वर्कडन का फॉर्मूला जो वर्कडन है बस यही वर्कडन है, ये पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस जो वर्कडन है एक्सटर्नल इवेंट का वो है पी ई कॉस थीटा। जो वर्क डन होता है वो होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल, वो है p a cos theta। u फाइनल मतलब u एट 90 डिग्री माइनस u इनिशियल, दिस इज इक्वल टू p a cos theta। और वर्क डन से हम पोटेंशियल एनर्जी पे जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री तो जीरो है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का फॉर्मूला है माइनस पी डॉट ई, ये फाइनल फॉर्मूला। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जब वो एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी डॉट ई। ये अगेन 5 स्टार वाला है, वो भी लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर and therefore it must be a dot product of two vectors. Potential energy scalar है, तो ये dot product होना चाहिए two vectors का, इसके formula में cos आना चाहिए, work done के formula में या potential energy के formula में cos आएगा और torque के formula में sin आएगा। मैं आपको ये derivation अगर वापस पूरा का पूरा ध्यान देता हूँ, अब मेरी जो इनिशियल हेडिंग थी ना उसका काम हो चुका है। अगर मैं बेसिक हेडिंग की मेरी पोटेंशियल एनर्जी सर एंगल थीटा पे, तो पहले तो मैंने w को निकाला इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा से, टाउ को लिखा p p sin थीटा, ये टॉर्क है, टॉर्क है इसमें sin आएगा, इंटीग्रेट किया थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल पर, तो जो वर्क डन है उसका जो u फाइनल माइनस u इनिशियल है वो आ गया पी ई और कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। उसके बाद मैंने कहा कि आप इसको थीटा आई को तो आप थीटा ले लीजिए, तो थीटा फाइनल को आप 90 ले लीजिए, तो यू 90 माइनस यू इनिशियल इज टू पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। तो और इससे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो है माइनस पी ई कॉस थीटा। ये इसकी डेरिवेशन की समरी है जिसमें कि हम ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं, इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू एंजॉय तो जरूर करिए, इनके इनके मजे अलग हैं और फिर फायदे भी हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स तो ज्यादा करने नहीं है तो फिर ठीक है, डेरिवेशन को स्ट्रांग बनाएंगे तो फायदा तो मिलेगा, नहीं तो साइन है कि कॉज है और तमाम फॉर्मूला लिखने में ही गलती हो जाएगी। अब वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी निकालो और आपको पी दिया और ई दिया और थीटा दिया, सवाल क्या आएगा नीट 2022 में, बोलेगा भाई 60 डिग्री पे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी बताओ,
तो माइनस लिख दो, फिर पी लिख दो, फिर ई लिख दो, फिर कॉस 60 लिख दो। हाँ तो कॉस 60 वन बाय टू होता है कि रूट 3/2 होता है, इसमें गलती कर सकते हो बस, और तो कोई गलती का चांस बना नहीं। इसलिए तुम मुझे अब बताओ कि अगर ये सवाल आ रहा है जिसमें हद से हद पी को तुम्हें हो सकता है डायरेक्ट ना दे, डायपोल मोमेंट ना दे, तो चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के बीच का जो शॉर्ट रेजिस्टेंस है वो लेना, फील्ड तो उसको डायरेक्टली देनी ही पड़ेगी और थीटा उसे डायरेक्ट देना ही पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालने में अब तुम बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम बची, और सिर्फ ये सवाल आएंगे नीट 2022 में ही, ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले तो हमें इन्हीं की मास्टरी करनी है, फॉर्मूले अच्छे से याद हो और फॉर्मूले में वैल्यूज हम डाल सकें, इनकी मास्टरी कर लें, डेफिनेटली यू कैन एम फॉर अ वेरी गुड स्कोर इन बोर्ड्स एज वेल एज इन योर कॉम्पिटिशन, नीट या इवन फॉर दैट पर्पज जेई में, जेई एडवांस्ड में थोड़े से और थिंकिंग चाहिए। अभी फिलहाल फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के सवाल चाहिए आपको, तो थोड़ी एनालिसिस नहीं चाहिए, थोड़ा आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स इस समय फिलहाल आ रहे हैं और वही आएंगे, वो आएंगे या नहीं आएंगे दैट इज डिबेटेबल, बट पहले आप तो इनकी मास्टरी तो हो जाए, फिर कुछ और सोचना। ओके फाइन, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इसकी मतलब पोटेंशियल एनर्जी देखो, ये फॉर्मूला आ रहा है माइनस पी कॉस थीटा, अब ये माइनस क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ई है, ये डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आप हेडिंग कुछ ऐसे दे सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, समझा सकते हैं वाई द टर्म माइनस इन द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये भी हमें इरिटेट करता है, गुस्सा दिला देता है, समझ सकते हैं तो समझिए वरना बढ़िया शानदार रटिए, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये एंगल थीटा है, थीटा से मेरा मतलब फिलहाल शायद एक्यूट एंगल ही होगा हमेशा, अगर ये एक एक्यूट एंगल है तो इस समय ऐसा लिख दीजिए, अज्यूमिंग दैट थीटा इज एक्यूट, नेगेटिव चार्ज इज मोर इनसाइड द फील्ड, negative charge is more inside the field, अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मालूम है क्या है, कि आप यहां मान लीजिए कि पहले से आपके पास यहां कोई भी चार्ज नहीं था और आप इंफिनिटी पे गए थे, आप इंफिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को यहां लाते यहां रख दिए थे और फिर एक नेगेटिव चार्ज को यहां लाते यहां रख दिए थे, और इनको लाने में किए गए वर्क डन का जो सम है वही तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा लिख सकते हैं, लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, हम इसे डायपोल ना भी कहें तो चलेगा, जो दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ वर्क डन, इज द सम ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग each charge separately from infinity to its present position, each charge separately from infinity to its present position, हम पहले infinity पे गए और वहां से positive charge को लेके आए हैं, वहां लाके रख दिया है जहां ये diagram में दिख रहा है, और फिर हम infinity पे गए हैं और infinity से negative charge को लेके वहां लाके रख दिया है जहां वो फिलहाल दिख रहा है, और अभी हमें ये दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज मोर इनसाइड द फील्ड है, तो नेगेटिव चार्ज को अंदर लाने में हमने नेगेटिव वर्क किया है, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो उस पर ज्यादा वर्क किया है, लिख दीजिए हेयर डिस्प्लेसमेंट एंड द नेगेटिव चार्ज इज मोर, आप इन्फिनिटी से उसे ज्यादा लेके अंदर गए हैं, बस सो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव वर्क हुआ है, और नेगेटिव वर्क मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, तो लिख दीजिए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज मोर इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज मोर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू द पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज को अंदर लाने में हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा है बस. इसलिए जब मैं सिस्टम इस सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो इन दोनों को अंदर लाने में किए गए वर्क को ऐड करूंगा तो जैसे कि ये आ जाएगा -3 जूल और ये आ जाएगा +2 जूल. तो कैलकुलेट करके आंसर -1 जूल आएगा ना. ये -3 जूल वो +2 जूल तो ये -1 जूल आएगा ना. कुल मिला के एक फैसला लिया जा सकता है कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इनसाइड द फील्ड है तो इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है. इसीलिए फॉर्मूले में -3 cos θ आया है क्योंकि इन जनरल तुम जो cos θ डालोगे एक्यूट एंगल के लिए cos θ पॉजिटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी. तो इसी बात को दर्शा रहा है कि जब थीटा एक्यूट है तो cos θ पॉजिटिव है. cos का ये ग्राफ है, cos का ये ग्राफ है और जब एंगल 90 से कम है तो cos θ पॉजिटिव है. तो उस समय -3 cos θ में cos θ पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी ना. वो इसी बात को बता रहा है कि जब थीटा पॉजिटिव थीटा 90 डिग्री है से कम है तो नेगेटिव चार्ज इज मोर इनसाइड द फील्ड. बस ऐसे ही कुछ लिखना है. हमें यही समझ में आ रहा है कि फॉर एक्यूट एंगल्स नेगेटिव चार्ज इज मोर इनसाइड द फील्ड एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नेगेटिव. Negative charge is more inside the field and therefore negative charge is more inside the field and therefore total potential energy of this system of charges which is a dipole is negative. इस system of charges की potential energy जो कि एक dipole है वो negative है. अब हमें समझ में आ गया कि potential energy के formula में -P cos θ क्यों होता है. ये पूरी लॉजिक अगर आप भूल भी जाएं तो अब आपका मन शांत रहेगा क्योंकि आपको उस माइनस का एक बार जवाब मिल गया है. आपको 6 महीने बाद भी पता रहेगा कि हाँ कुछ बात तो हुई थी. क्या हुई थी वो आपको नहीं भी याद है तो फर्क नहीं पड़ता. फिर मन फिर भी शांत रहता है और मन जब तक शांत नहीं रहेगा तो मार्क्स कहाँ से आएंगे. नेगेटिव चार्ज इज मोर इनसाइड द फील्ड जब भी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की या डाइपोल की नेगेटिव होती है. अब इसमें हेडिंग से फिर से दे देते हैं. अब हेडिंग दे देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. फॉर्मूले से नहीं करना, बेसिक से ही करना है. ये भी है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वेक्टर p है और 90 डिग्री है और ये हमारी इंफिनिटी वाली लाइन. अब तो आप समझ रहे हैं कि आप इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज को जितना अंदर लाए हैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपने पॉजिटिव चार्ज में किया है. जितना डिस्प्लेसमेंट आपने नेगेटिव चार्ज में किया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपने पॉजिटिव चार्ज में किया. लिख दीजिए डिस्प्लेसमेंट हियर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव चार्ज and positive charge is same. Negative charge का displacement है और जो positive charge का displacement है वो same है in bringing them from infinity. उन्हें infinity से अंदर लाने में in bringing them from infinity. Infinity से अंदर लाने में इन्हें हमने जो work किया है वो same है. डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन सेम है. तो बस जितना एक पे नेगेटिव वर्क है उतना ही दूसरे का पॉजिटिव वर्क है. जितनी एक की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है उतनी दूसरे की टोटल पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है. क्यू भी होती थी, एक है -Q भी, एक है +Q भी. फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो पोटेंशियल नहीं चेंज होता है. फील्ड के अलावा पोटेंशियल देता है, अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -Q भी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है +Q भी. तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई ना. मिल गया हमें जवाब कि डाइपोल में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस क्यों माना. सो गई कहानी खत्म. हमें तो यही समझ चाहिए,
हमें डाइपोल की अगर बात करें इन एक्सटर्नल फील्ड में, डाइपोल जो खुद फील्ड पैदा कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, टॉर्क का फॉर्मूला है टी क्रॉस ई, क्योंकि ये खुद एक वेक्टर है और इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस टी डॉट ई, और ये है जूल स्केलर, और वर्क डन सारे बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इनके फॉर्मूले याद होने में टाइम लगता है, ये हमारे दिमाग में पूरी तरह सेटल हो जाएं और इनको लिखने में गलती ना हो, इनमें हमें टाइम लगता है। ऑफ कोर्स ई का फॉर्मूला रहेगा क्यू इनटू एल, एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल। ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो नीट 2022 में आने वाला डाइपोल पर क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकता। इन फॉर्मूलों पर बेस्ड दो दो सवाल भी आपने किए हैं तो बस हूबहू वैसा का वैसा पेपर में क्वेश्चन आएगा। वेक्टर है उसके फॉर्मूले में साइन आएगा, वर्क स्केलर है उसके फॉर्मूले में कॉस आएगा, तो क्वेश्चन एक दो कुछ छोटे छोटे लिख लेते हैं, लिख दीजिए क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल ई, डाइपोल पे मैक्सिमम टॉर्क निकालनी है, टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क होती है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में वो लोग ना पी और ई की अलग अलग वैल्यू देने के बजाय डायरेक्ट बोलते थे कि डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क इतनी लग रही है, तो मैक्सिमम टॉर्क दे दिया तो उन्होंने पी और ई पूरे का प्रोडक्ट ही दे दिया, अब कुछ बचा ही नहीं। अगर मैक्सिमम टॉर्क दे दिया तो पी और ई पूरा डायरेक्टली दे दिया उसने, टॉर्क का फॉर्मूला है एंजाइम के ऊपर ग्राफ भी बना सकते हैं, थीटा है फिर टॉर्क है और ये एस है टाउ मैक्स, टाउ को लिखा जा सकता है टी साइन थीटा, टाउ को लिखा जा सकता है टाउ मैक्स साइन थीटा। काम की बात तो केवल एक, ये मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पोजीशन, ये सब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, एक ही बात पे ध्यान दें, चार स्टार दे दें कि मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ध्यान से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखता है माइनस डी कॉस थीटा, और अभी वेक्टर थ्री और वेक्टर ई में थीटा 0 डिग्री बोल रहा है, तो माइनस डी कॉस 0 कॉस 0 इन्हें 1, so minus three into one, ये potential energy की actually minimum value है, maximum negative है, जब theta 0 degree है साहब तो potential energy की minimum minus p,
फिर लिख देते हैं कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी कॉस 90 यानी जीरो। जब थीटा 90 डिग्री है ये पी है और ये पी है तो मुझे तो मालूम है कि जो चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वली एक्साइटेड है फील्ड है। यार अब तो फॉर्मूले से ही करेंगे, अब शायद इस थ्योरी से नहीं करेंगे, फॉर्मूले से ही करेंगे। और फॉर्मूला बोल रहा है तो cos 90 होता है 0 तो पोटेंशियल एनर्जी है 0 और 0 और माइनस पी में से माइनस पी और भी छोटा है। वो वार्निंग लिख दीजिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0। जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 नहीं है, इट इज इक्वल टू माइनस पी ई। ये इन चीजों में उलझ के रह जाते हैं बस। पी वाई क्यू आपको सब सिखा देगा, पी वाई क्यू आपको सब सिखा देगा। और फिर है थीटा इज कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अधिक है वेक्टर भी ऐसा है और वेक्टर भी ऐसा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रहता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता है तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इज मोर इनसाइड द फील्ड। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में वेक्टर ई यहाँ बनाइए वेक्टर पी यहाँ बनाइए तो पॉजिटिव चार्ज इज मोर इनसाइड द फील्ड तो आंसर पॉजिटिव तो आना ही है। अब हम खाली मैथमेटिकल नहीं रह गए, थोड़ी सी थ्योरी का सपोर्ट भी है, हालांकि शायद आपको थ्योरी का सपोर्ट ना लगे और प्योरली मैथमेटिकल हो जाएं आप और भी मैथमेटिकल हो जाएं तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। कॉस 180 की वैल्यू आप सही पहचान करें, ये तो डायग्राम भी हमसे नहीं बन पाएगा जिसमें थीटा को 180 है, तो डायग्राम बना पाना आसान नहीं है। फिर माइनस पी कॉस 180 में कॉस 180 को ढंग से पहचान जाइए। तो एनीवे ये फैसला हो गया कि थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इनको एक काम करता हूँ, कोई अलग से बना देता हूँ। तो और की मैं थोड़ी सी समझ दे रहा हूँ, ये वेक्टर पी है, ये जनरल है थीटा, तो जनरल पोजीशन ऑफ टॉर्क के पी साइन होगा, ये है मैक्सिमम टॉर्क, ये है जीरो टॉर्क, यहाँ पे भी टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो टॉर्क की डायरेक्शन हमने पहले शायद पढ़ी होगी, टॉर्क जो है वो पी को घुमा के ई की डायरेक्शन में लाना चाहेगा। जब थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क है, जब थीटा 0 डिग्री है देख देता हूं यहां पे मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री टॉर्क इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री और ये जनरल केस जनरल थीटा। ये चीजें आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठें, कई बार रिवाइज करें, क्वेश्चन तो इतना ही सही आएगा, कैलकुलेट क्वेश्चन तो इतना सही आएगा कि भैया 180 डिग्री पे टॉर्क बताइए, तो जीरो है कि पी है, अच्छा मैक्सिमम मतलब पी
90 डिग्री पे टॉर्क पी है और वो क्लॉकवाइज है, और 270 डिग्री पे टॉर्क पी है और वो एंटी क्लॉकवाइज है। इनके जो सिंपल केसेस हैं, जो सिंपलेस्ट केसेस हैं, वही केवल पेपर में आएंगे, उन्हें दिमाग में बैठा लें। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको शुरू में नहीं भी ध्यान देना तो मत दीजिए। उसके अलावा टॉर्क की अच्छी समरी तो हो गई है। हम एक बात ये समझते हैं कि जब थीटा जीरो है ना और जब थीटा 180 डिग्री है, अब हेडिंग दे दीजिए आप यहाँ पर एक बार, या चलिए एक बार पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी बना ही लेते हैं। ऐसा ही समरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बना लेते हैं। समरी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये पी है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पी है, मतलब जनरल जनरल क्या हो सकता है, ये भी पी हो सकता है। जब ये पी एस है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है माइनस थ्री पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ एंगल है थीटा, यहाँ एंगल है थीटा जीरो डिग्री और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है माइनस थ्री यानी कि मिनिमम, और ये है मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन थी पहले, मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन थी आपकी बात, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, ये थीटा 90 डिग्री होता है तो टॉर्क मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ थीटा 180 डिग्री है और पोटेंशियल एनर्जी है प्लस थ्री, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क अगर आप एक ही ग्राफ में लिख लें, एक ही समरी में लिख लें, तो शायद थोड़ा सा और भी अच्छा रहेगा। मैक्सिमम टॉर्क है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो एक बात तो यही लिख दीजिए अलग से चार स्टार लगा के, मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन इज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन इज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन। और उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। अब हेडिंग दे दीजिए इक्विलिब्रियम ऑफ अ डायपोल, इक्विलिब्रियम ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड। लिख दीजिए इक्विलिब्रियम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसलेशनल ऑब्लिक रोटेशनल। इक्विलिब्रियम दो टाइप्स के हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल ऑब्लिक रोटेशनल। आगे लिख दीजिए फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स शुड बी जीरो, for translational equilibrium net force should be zero and for rotational equilibrium, for rotational equilibrium net torque should be zero, rotational equilibrium net torque should be zero। मुझे यहाँ torque zero दिख रही है, यहाँ पे भी torque zero दिख रही है, यहाँ पे torque zero नहीं है, maximum torque position है। तो मैं पहले तो बात करता हूँ फोर्स के जीरो होने की, और मुझे अच्छे से पता है कि यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे फोर्स तो हमेशा जीरो होता है, एक तरफ माइनस की हुई एक तरफ प्लस की हुई, एक लाइन लिख दीजिए डैश करके। और डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म ई, यूनिफॉर्म ई ऑलवेज एक्सपीरियंसेस, always experiences a not a zero force, force is always zero।
फोर्स हमेशा जीरो है, अ डाइपोल कैन नेवर अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन, अ डाइपोल कैन नेवर अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म ई. डाइपोल में एक्सटर्नल यूनिफॉर्म ई में कोई मोशन हो ही नहीं सकता ट्रांसलेटरी वाला. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो उसमें है ही, लिख दीजिए एवरी पोजीशन ऑफ अ डाइपोल इज अ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन. एवरी पोजीशन ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म ई इज अ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन. एवरी पोजीशन है तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अब बात आती है आगे, लिख दीजिए फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क शुड बी जीरो. For rotational equilibrium, torque should be zero. So dipole in external E will have rotational equilibrium. Dipole in external E में होगा. Dipole जो external E में होगा, तो उसपे external torque, उसपे torque zero होगी. Both at theta is equal to zero and theta is equal to 180. Theta जब zero है, तो भी torque zero है. और जब थीटा 180 है तो भी टॉर्क जीरो. सो दीज टू आर द पोजीशंस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. जहां टॉर्क नहीं है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है. दीज टू आर द पोजीशंस ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. बस तो अगर आप कंप्लीट इक्विलिब्रियम चाहते हैं तो टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, फोर्स भी जीरो होना चाहिए. और फोर्स तो हर जगह ही जीरो है. ऐसे ही कैसे लिख दीजिए, for complete equilibrium both force and torque should be zero. Complete equilibrium ke liye force bhi zero hona chahiye, torque bhi zero hona chahiye, force bhi zero hona chahiye, torque bhi zero hona chahiye. Forces everywhere zero, force is zero irrespective of the orientation. Kaise bhi rakho force to zero hi milega. Force is zero irrespective of the orientation. And torque is zero in two positions. First, equilibrium positions of a dipole in an external E are 0 degree and 180 degree. जब angle zero होगा या angle 180 होगा तो ये dipole की equilibrium position होगी. इनके अलावा dipole equilibrium में नहीं होगा. Force तो कहीं भी नहीं होगा, पर इनके अलावा टॉर्क होगी. टॉर्क का ग्राफ बना के देखते हैं. टॉर्क का ग्राफ बना के देखते हैं. टॉर्क यहाँ से है, टॉर्क यहाँ से है, टॉर्क यहाँ से है, ये थीटा है. तो बस यही इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं. यही इक्विलिब्रियम पोजीशन है बस. तो खैर अब एक बात और हम जानते हैं कि हर सिस्टम को हमेशा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है. आप इसको एक क्वेश्चन रूप में लिख सकते हैं कि व्हाई डज, क्वेश्चन लिख दीजिए कि व्हाई डज टॉर्क ऑन अ डाइपोल एक्ट इन अ डायरेक्शन. व्हाई डज टॉर्क एक्ट, टॉर्क ऑन अ डाइपोल एक्ट इन अ डायरेक्शन. From vector P to vector E, vector P से vector E की direction में torque काम क्यों करती है? ये vector P है और ये vector P है और torque की direction हमेशा ये रहती है. ये field की torque है. This is the torque due to field. Torque जब कुछ भी नहीं बोलते हैं तो उसका मतलब होता है field की torque. वर्क डन जब कुछ भी नहीं बोलते हैं तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल एजेंट का. वो भी बात है. वर्क डन इंप्लाइज बाय द एक्सटर्नल एजेंट एंड टॉर्क व्हेन नथिंग स्पेसिफाइड इंप्लाइज बाय द फील्ड. तो खाली टॉर्क बोलते हैं तो उसका मतलब होता है फील्ड की टॉर्क. तो टॉर्क पी से पी लिख दीजिए. द टॉर्क ऑलवेज टेंड्स टू अलाइन पी इन द डायरेक्शन ऑफ ई. Torque always tends to align P in the direction of P.
टॉर्क की वजह से डाइपोल घूमेगा और पी को ई की डायरेक्शन में आके रुकना होगा। टॉर्क की वजह से डाइपोल घूमेगा और पी को ई की डायरेक्शन में आके रुकना होगा। Every system tends to minimize its potential energy. Every system tends to minimize its potential energy. So when the dipole gets aligned in the direction of P, its potential energy becomes minimum. Dipole gets aligned in the direction of E, its potential energy becomes minimum. मुझे तो पता है जब थीटा 0 डिग्री होता है तो potential energy minus E है और यही तो minimum है। और वो भी लिख दीजिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन इज ऑलवेज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन इज ऑलवेज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। ये इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे बस ऐसे डैच करके लिख देते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड सो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम तो है, इट इज इक्विलिब्रियम बट अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। फोर्स तो हमेशा ही जीरो होता है 180 डिग्री पे, टॉर्क भी जीरो होती है। फोर्स तो हमेशा ही जीरो होता है 180 डिग्री पे, टॉर्क भी जीरो होती है। तो ये इक्विलिब्रियम तो है पर ये अनस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वेक्टर P है और ये वेक्टर P है, ये समय 180 डिग्री, तो इस समय ये इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि माइनस क्यू भी और प्लस क्यू भी, टॉर्क भी जीरो फोर्स भी जीरो, पर अगर मैं इसे हल्का सा भी छेड़ दूंगा ना तो पूरा घूम के एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा। ये अनस्टेबल, ये रुकाव तो हुआ है यहाँ पे पर इशारा मिलते ही बहुत भाग जाएगा। ये लिख दीजिए, व्हेन स्लाइटली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हेन स्लाइटली डिस्टर्ब्ड फ्रॉम द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, the dipole will turn and will not want to come back to its original position. Dipole move karega and will not want to come back to its original position. Agar main se yahan se disturb karunga na to p ko ghum ke ek hi direction mein aana hai na hamesha, पी को घूम के एक ही डायरेक्शन में आना है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर हल्का सा भी छेड़ दिया तो बस पूरा मामला बिगड़ जाएगा। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता और वेक्टर पी की भी डायरेक्शन यही होती और मैं इसे हल्का सा भी डिस्टर्ब करता, ऐसे यहाँ ले जाता तो इस पर टॉर्क, मैं यहाँ ले जाता तो फिर इसे वापस लाती ना। जब डिस्टर्ब करने पर भी आपको वापस अपने घर आने की टेंडेंसी हो तो आप स्टेबल हो, समझदार हो, मैच्योर हो। यहाँ से डिस्टर्ब किया, कोई मुझे यहाँ लेके आया, छोड़ दिया, उसके बाद जब छोड़ देगा तो पी घूम के वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आना चाहेगा। जब कोई अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आना चाहे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। 0 डिग्री भी स्टेबल है, 0 डिग्री भी इक्विलिब्रियम है, 180 डिग्री भी इक्विलिब्रियम है, पर 0 वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है और 180 वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है किसी के पास तो वहां पर अनस्टेबल तो हो ही जाता है, उसका बुरा वक्त तो आ ही जाता है, वो यहाँ वहां भागता है, नाचता है।
एक जगह शाम उससे बैठा नहीं जाता, एनर्जी जिसमें ज्यादा होती है वो शांत नहीं बैठ पाता, स्टेबल और अनस्टेबल के ये एग्जांपल है नहीं। एक कंचे को यहाँ रखा है, हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो वापस यहीं आने की टेंडेंसी रखेगा, और अगर एक ये यहाँ रखा है तो यहाँ भाग ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। और यहाँ इसका एमजीएच आपको मिनिमम दिख ही रहा है, यहाँ इसका एमजीएच ज्यादा दिख ही रहा है। अनस्टेबल यानी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज्यादा अनस्टेबल है, जिसमें एनर्जी ज्यादा है वो अनस्टेबल है, नाचता भागता दौड़ता कूदता रहेगा। और हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दो तो और आगे उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जहां आपने डिस्टर्ब किया, वापस नहीं आएगा। और स्टेबल वो है जो हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो मरा खपा है वैसे ही, उसमें जान नहीं है, वो चुपचाप घर आ जाए। ओके, स्टेबल और अनस्टेबल के थोड़े से नाम ही इंट्रोड्यूस करने थे मुझे, डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में दिख नहीं रहे इसलिए इनकी ज्यादा कोई शायद आवश्यकता फिलहाल दिख नहीं रही। फिर भी हम पी वाई क्यू के हिसाब से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख दीजिए। देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल, कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैलकुलेट द वर्क डन in turning a dipole from the position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि थीटा आर जीरो डिग्री है और थीटा आर क्वाड्रेंट डिग्री है, बस वो इतना तो कह ही सकता है। स्टेबल और अनस्टेबल के हो सकता है शायद वो नाम यूज ना करे क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी में उस प्रकार का नाम यूज नहीं किया गया है, पर इतना तो बोल ही सकता है कि फ्रॉम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजिशन, आप ऐसा ब्रैकेट में लिख सकते हैं सवाल। You calculate the work done in displacing a dipole, sorry, in deflecting a dipole from minimum potential energy position to maximum potential energy position. Minimum potential energy position to maximum potential energy position. Work done at PP was under the theta I minus cos theta F. Work done at PP was 0 minus cos 180. अब ना तो उसका ग्राफ आना ही चाहिए और cos 0 है 1 और cos 180 है minus 1 वो भी प्लस 2. यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस थी और यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस थी, आपको इसको प्लस 2 की वर्क देना पड़ेगा। माइनस पी को कन्वर्ट करके प्लस पी करना है तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो प्लस टू पी होगा। हाँ, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पी वाई क्यू में मिल जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा गया। स्टेबल और अनस्टेबल वर्ड ना भी मिले तो भी ये तो मिल ही सकता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से डायपोल को टर्न करना है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में, वर्क डन बताइए। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है प्लस पी, और न्यूमेरिकल में पी और ई की प्रोडक्ट की वैल्यू वो डायरेक्टली दे देंगे टाउ मैक्स के नाम से। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, एक क्वेश्चन लिख दीजिए, अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन मीटर इन अ फील्ड। एक डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में है और उस पर टॉर्क लग रही है 5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर इन अ फील्ड। कैलकुलेट द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल थ्रू 30 डिग्री, वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग अ डाइपोल थ्रू 30 डिग्री। अब इस सवाल में प्रॉब्लम ये है, इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने इनिशियल पोजीशन नहीं दी है, सही दी है, इनिशियल पोजीशन हैज नॉट बीन गिवन,
अगर इनिशियल पोजीशन नहीं दी है तो नॉन, तो डाइपोल जहां पाया जाता है वहीं मानेंगे। लिख दीजिए कि इफ नॉट मेंशन्ड द इनिशियल पोजीशन शुड ऑलवेज बी अज्यूम टू बी 0 डिग्री। अगर ना बताया गया हो तो इनिशियल पोजीशन को हमेशा 0 डिग्री मान लो और बस उसके ब्रैकेट में लिख दो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। नॉर्मली कोई भी कहां पाया जाएगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में ही तो पाया जाए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन में ही तो पाया जाए। तो थीटा को हम लोग ऐसे में 0 डिग्री मानते हैं और जो वॉल्डन है उसका फॉर्मूला वैसे तो पी कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ होता था और अब उसने ये या नहीं है तो उसे 0 मानेंगे और बस थीटा एफ को ही फाइनल थीटा मान रहे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। वॉल्डन का ये फॉर्मूला भी 5 स्टार वाला है तब जब उसने इनिशियल पोजिशन ना दी हो। फिलहाल जो हो गया टाउ मैक्स और 1 माइनस कॉस 30 डिग्री से डिफ्लेक्ट किया है। अब असली प्रॉब्लम आती है कि छोटे एंगल के लिए कॉस की बड़ी वाली वैल्यू आई जाएगी 5 इनटू 1 माइनस रूट 3 बाय 2 बस। असली प्रॉब्लम एक ही है कि आप cos 30 की वैल्यू सही लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ये cos 30 की प्रॉब्लम बहुत रिस्की है। आपको cos ऑफ छोटे एंगल की वैल्यू बड़ी आएगी, रूट 3 बाय 2 आएगी, ध्यान दीजिएगा। बाकी खैर जो सॉल्व हो जाएगा और वर्कडन का आंसर जूल में दिया जाता है। P इंटू E का प्रोडक्ट उसने कलेक्टिवली दे दिया था टाओ मैक्स के नाम से। और दूसरी बात हमने ये सीखी जब हमें इनिशियल पोजिशन नहीं बताते हैं तो ऑफकोर्स हम उसे उसकी ग्राउंड स्टेट मानेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन मानेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मानेंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मानेंगे। ये एक आखिरी बात मैं और कर रहा हूँ जो इसने एनसीईआरटी ने दी हुई है जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है भी नहीं। हेडिंग दे दीजिए आप उसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यही हमारी हेडिंग पहले भी थी, यही फिर से लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड इंक्लूडिंग द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, इंक्लूडिंग द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये मेरे हिसाब से तो एडवांस डिस्कशन है। ये डायपोल में ये डायपोल रखा हुआ तो ये तो मुझे पता ही है पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी माइनस क्यू वी वन प्लस क्यू वी टू। अगर यहाँ वोल्टेज वी टू है तो यहाँ वोल्टेज वी वन है तो प्लस के आपस वाली सेल्फ क्यू वन क्यू टू अपॉन ये जो भी लेंथ ऑफ द डायपोल है। फील्ड में चार्ज क्यू उस जगह है जहां उसका वोल्टेज वी वन है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। ये वाला चार्ज उस जगह है जहां पोटेंशियल वी टू है प्लस आपस में पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ वाली, इसी को हम लोग माइनस पी डॉट पी के नाम से निकाल चुके हैं। माइनस पी डॉट ई प्लस 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट और क्यू और क्यू वन और क्यू टू तो बराबर होता है डायपोल के केस में और एल के जरिए हम लोग टू ए भी लिख सकते हैं जहां इस फील्ड में पूरे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है फील्ड के कारण प्लस खुद के कारण। जो खुद के कारण है वो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी है चाहे तो एल बोल दें, एल इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस
चाहे तो इसको आप टू ए बोल दें, वेयर ए इज द सेमी लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये एनसीईआरटी का पेपर है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एक लास्ट एग्जांपल 2.6 भी कर रहे हैं। द मॉलिक्यूलर ऑफ सब्सटेंस इज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिन्हें बाहर से फील्ड लगाए बगैर भी इसमें डाइपोल मोमेंट है। हमें इस समय खैर परमानेंट से कोई मतलब नहीं है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट देखिए कूलम मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस मच, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज 60 डिग्री बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एस्टिमेट द हीट रिलीज। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, तो हीट रिलीज क्या है कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, मतलब डाइपोल सारे मान लीजिए अचानक सीधे करने हैं आपको, तो इनिशियली इनमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बाद में जीरो तो हो ही जाएगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हमें उसका पूरा मैकेनिज्म अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमें चाहे हीट एनर्जी निकालनी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी, हम जो निकाल सकते हैं बस वही निकाल रहे हैं। अगर आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस वही आप लिख दीजिए। लिखिए फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट, एग्जाम्पल 2.6 डाल दीजिए और फर्स्ट लिख दीजिए, फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, कैसे? मल्टीप्लाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि फिलहाल वन मोल है। क्वेश्चन हल्का सा तो एडवांस है क्योंकि हीट एनर्जी की बात कर ली उसने, एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट दिया है उसने और इसके एक मोल में टोटल कितना डायपोल मोमेंट है वो निकालिए एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। और अगर आपको वोल्टन निकालना है तो डेल्टा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इनिशियल एंगल अगर कुछ नहीं दिया है तो थीटा को 0 डिग्री ले लीजिए, यू इनिशियल है माइनस पी कॉस 0 और यू फाइनल है माइनस पी कॉस 60, फिर आप डेल्टा यू निकाल लीजिए। और बस उसके बाद इतना ही लिखिए कि द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड हैव अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी शुड हैव अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पे मॉलिक्यूल्स, बट हियर kinetic, this entire kinetic energy is being lost in collisions. This entire kinetic energy is lost in collisions inside the substance. Inside the substance. And the same energy appears as heat. Same energy appears as heat. ये E था, ये P था, P को घूम के E की direction में आना है, इसमें ये P लूज करेगा, और अगर ये डाइपोल अकेला होता हवा में तो जितनी ये P लूज करता यहाँ उसकी कई मैक्सिमम इसमें होती, तो रास्ते में सारी कई खा गया, वो कॉलिजन्स खा गया। हमें तो एक ही बात समझनी है कि या तुम हीट एनर्जी पूछो या काइनेटिक एनर्जी पूछो या पोटेंशियल एनर्जी पूछो, हम तो जो एनर्जी निकाल सकते हैं वही निकालेंगे, वो जरूर सब एक दूसरे के बराबर हो रही होंगी, हमें दिमाग नहीं लगाना। ऐसा कोई सवाल आपको नहीं आ सकता जिसमें पी लॉस का आधा ही केवल हीट में कन्वर्ट हुआ। अगर ये सवाल आपको आया है तो उसका मतलब जो आप निकाल सकते हो वो निकालो, आप पी लॉस निकालो, जो पी लॉस है वो नॉर्मली तो कई गेन होनी चाहिए थी, पर फिलहाल वो कोलिजंस में पूरी खत्म होते होते जब यहाँ पहुंचा ना तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो गई कहाँ? हीट में चली गई, फ्रिक्शन खा गया। हमें इस सवाल में एक तो एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट दिया और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो पूरे के पूरे मोल ऑफ एटम्स को पे टॉर्क लगी है, और फ्री होते तो सब झटके से यहाँ आते टॉर्क के कारण, और जितने भी पी यूज करते सब पे में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर सॉलिड है तो अलाइनमेंट तो हुआ है, पर पे कोई गेन नहीं कर पाया तो हीट में चला गया। हल्का सा एडवांस सवाल हुआ, थोड़ा सा एडवांस हुआ। एक तो एक मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है तो कंप्लीट पी निकालना है, और फिर पोटेंशियल एनर्जी की जगह वो हीट एनर्जी की बात कर रहा है। तो
Thank you. That's all about it for now. Thank you, sir. Thank you, sir.